पिलखुवा रामलीला में हुआ बाली वध व राम हनुमंत मिलन। हापुड़ की पिलखुवा रामलीला कमेटी द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन लाला शंभू मल की धर्मशाला से बड़े ही धूमधाम से शुरू हुई, जिसमें राम जी की शबरी पर कृपा, हनुमत मिलन, राम सुग्रीव मित्रता एवं बाली वध की झांकियां दिखाई गई। शोभा यात्रा मंडी तिराए से बाजार बाजाजा, उमराव सिंह गेट, गुल्लू बाबा मंदिर होते हुए गांधी बाजार से रामलीला मैदान पहुंची। झांकियां का लोगों ने काफी प्रशंसा की और करतल ध्वनि से स्वागत किया। झांकियां को देखने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। मंच पर वृंदावन से आए स्वामी ब्रज किशोर शर्मा जी के कलाकारों द्वारा लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया। हनुमत मिलन और सुग्रीव मित्रता की दृश्य को देखकर जय श्री राम के नारे लगाकर रामलीला मैदान राममय हो गया तथा मेला अधिकारी अखिलेश मित्तल ने कल की लीला के बारे में एवं शोभा यात्रा में दिखाई जाने वाली झांकियां के विषय में बताया कि कल हनुमान जी से सीता का मिलन होगा, लंका दहन और विभीषण शरणागति होगी। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोयल, मंत्री संदीप जिंदल, उप मंत्री पंकज मित्तल, कार्यकारिणी सदस्य सुनील गोयल, आशीष मित्तल, वीरेंद्र गुप्ता, सुभाष गोयल, नवनीत मित्तल, पवन सिंघल, तरंग मित्तल तथा सहयोगी कर्ता के रूप में केशव शर्मा, नीरज बंटी, अमित मित्तल, मोहित, स्वीकार मित्तल, प्रेम प्रकाश बर्फवाले, विजयपाल रहेला, मनोज मित्तल, उदित गुप्ता, प्रशांत गोयल आदि लोगों ने शोभायात्रा निकालने में सहयोग प्रदान किया एवं रामलीला मैदान में व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। सुखदेव यहाँ तुझे मरने को, जरा तैयार हो जाओ यमपुर जाने को। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं एक बात तुझे छोड़ चुका हूँ, भाई के नाते जरा जाए यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। पर नहीं चाहता है इस बाली के हाथों से। जब मेरा ये गदा तेरे सीने पर आएगा।